तो हाय गाइस, जिस घड़ी का हम लोगों को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। हाँ, रोलेक्स की घड़ी नहीं, वो वाली घड़ी के बारे में बात नहीं कर रहा। RTX 3050 अनाउंस हो चुका है यार, और कौन सी घड़ी के बारे में बात करोगे। Asus ने सबसे पहले जो अपने RTX 3050 वाले लैपटॉप्स के लाइनअप अनाउंस कर दिए हैं ग्लोबली, तो इंडिया में भी बहुत जल्दी आ जाएंगे वो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से लैपटॉप्स Asus की तरफ से RTX 3050 के साथ आएंगे, कन्फर्म्ड है। और साथ के साथ हम लोग बात करेंगे ROG M16 और ROG S17 के बारे में, जो कि आज ही बिल्कुल ब्रांड न्यू लॉन्च हुई। तो ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन वो लाल वाला बटन जो है ना सब्सक्राइब का, उसको जरूर से दबा देना। और 2000 सब्सक्राइबर के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब दिल से शुक्रिया, मजा आ गया। और अभी ऐसी और भी माइलस्टोन सब लोगों ने अचीव करने हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन जो है वो जरूर से दबा दिया करो। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ROG लाइनअप में नए लैपटॉप्स की, जो कि नए इंट्रोड्यूस करे हैं Asus ने आज ही, जिनका नाम है ROG M16 और ROG S17। नाम से पता लग रहा है कि 16 इंच की डिस्प्ले के साथ आएगा M16 और 17 इंच की डिस्प्ले के साथ आएगा S17। बाकी जो प्रोसेसर M16 और S17 में मिलेंगे वो दोनों में सेम है, i9-11 जनरेशन है, अप टू i9-11 जनरेशन है, यानी कि हम लोगों को i5-11 जनरेशन, i7-11 जनरेशन और i9-11 जनरेशन, ये तीनों ही मिल जाएंगे। जो हमारा ROG M16 है उसके अंदर अप टू RTX 3070 है, और जो हमारा S17 है उसमें अप टू RTX 3080 है। समझ रहे हो ना कौन कौन से ग्राफिक्स कार्ड होंगे इसमें। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर 165 हर्ट्ज की WQHD वाली डिस्प्ले मिलती है हम लोगों को ROG M16 के अंदर, और S17 में हम लोगों को दो ऑप्शंस मिलते हैं डिस्प्ले के। फर्स्ट ऑप्शन है WQHD वाली डिस्प्ले 165 हर्ट्ज के साथ, जो कि ऑब्वियसली थोड़ी सी महंगी होगी। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 4K डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बाकी दोनों लैपटॉप्स में हम लोगों को 90 वॉट आवर की बैटरी भी मिलेगी। अब इंडिया में कौन सी बैटरी आएगी उसका तो नहीं पता, लेकिन 90 वॉट आवर की अगर इंडिया में आ जाए मजा ही नहीं आ जाए वैसे। तो ये तो थी यार फालतू की बातें, अब है मेन बात RTX 3050 Ti और RTX 3050 वाले लैपटॉप्स। जो पहला लाइनअप है वो है ROG M16, इसके अंदर आपको RTX 3050 भी मिलेगा और RTX 3050 Ti भी मिलेगा। ROG Strix G15 और G17 ये जो लैपटॉप्स हैं ये इंडिया में पहले ही लॉन्च हो चुके हैं। अब इन लैपटॉप में एक और वेरियंट एड हो जाएगा RTX 3050 वाला, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये Ryzen के साथ लॉन्च हुए थे, तो Ryzen के साथ RTX 3050 मजा ही मजा। और ROG Zephyrus G15 और G17 इन दोनों लैपटॉप्स में भी जो है हमको RTX 3050 वाले वेरिएंट्स ऐड हो जाएंगे। और एक और लैपटॉप ROG Flow X13, जो कि थोड़ा सा घिसा पिटा सा लैपटॉप है, ज्यादा लोग लेते नहीं है उसको, 1650 की जगह जो है RTX 3050 मिल जाएगा इसके अंदर। बाकी जो एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड है वो RTX 3080 रहेगा। तो यार ये तो थे लैपटॉप्स, लेकिन हम लोगों को लैपटॉप से फर्क नहीं पड़ता, प्राइसिंग बताओ कितनी रहेगी। अब यार देखो ROG है और दूसरी बात की Asus है, तो प्राइस तो हमेशा हाई होता ही होता है। i5-9 जनरेशन भी जो 70-80 हज़ार रुपये का मिलता है, तो आप लोग एक्सपेक्ट मत करो Asus से कि वो आपको बहुत अच्छी प्राइस पे RTX 3050 दे, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो Acer से कि वो अपने या Aspire सीरीज में या फिर Nitro सीरीज में हम लोगों को ये वाले ग्राफिक प्रोसेसर यानी कि RTX 3050 और 3050 Ti जल्द से जल्द इंडिया में इंट्रोड्यूस करवा दे, क्योंकि इंडिया में वो कुछ ज़्यादा ही लैपटॉप्स लॉन्च कर रहे हैं, तो 3050 वाले के लिए भी तैयार हो जाओ। अनाउंस हो चुका है अब RTX 3050 NVIDIA की तरफ से भी। वही बात है, अगर आपको बजट में RTX 3050 वाले लैपटॉप चाहिए तो Acer के लिए वेट करो, बाकी Asus के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। अभी ग्लोबली अनाउंस हुआ है, अभी ग्लोबली लॉन्च भी नहीं हुआ है। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद नहीं होती तो 2 या 3 महीने के अंदर अंदर जो है आपको इंडिया में भी अनाउंस या लॉन्च होते दिख जाएंगे, प्राइसिंग के साथ और कौन कौन से प्रोसेसर के साथ आएंगे वो भी आप लोगों को पता लग जाएगा। Asus तो चलो अपना काम कर गया, अभी प्राइसिंग नहीं बताई कि आप तो अच्छी प्राइसिंग ही निकाल दे, लेकिन Acer से काफी ज्यादा उम्मीद है कि वो फटाफट से RTX 3050 वाले लैपटॉप लॉन्च करे Ryzen 5 5600X के साथ बजट प्राइस में, मतलब 70-80 हज़ार में कर दे, मजा ही आ जाएगा। तो उस लैपटॉप की तो हम लोग वेट करेंगे, लेकिन इस वीडियो को देख के अगर आपको मजा आया तो आपको क्या करना है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी यार मैं तो आपसे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।